मरेंगे नहीं पर बात यही है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है इस असेंशन uh, में एंटर करने की वो होती है है तो उनकी वेस्ट हो गई पर हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को कम करना ही है। ऐसे उनकी तरफ देख रही होती है वो बोलता है कि सभी ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया इस टाइम पे चलो रेस्ट करते थोड़ी देर के लिए फिर मतलब एक तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर देते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेन टास्क है तो यही है कि हम स्प्रिट एनर्जी को अब्जोर्ब कर सके जो हमने कलेक्ट की है फिर ऐसा में थोड़े टाइम के बाद कसंद था बुलिन और गुयू साथ में बैठे होते हैं बोलिन उसकी तरफ बोलता बोलते हैं तुम पूरी तरीके से स्पिरिचुअल पावर को हाँ, स्पिरिचुअल पावर को, तो इससे मेरी को कुछ भी नहीं पड़ेगा। वुलिन बोलते है, है, अच्छी बात है फिर हमें बताया जाता की तीन साल पहले जब टांग वुलिन को ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था गुय ने जरा भी हेजिटेट नहीं किया उसने खुद की अपनी लाइफ फोर्स को यूज कर दिया बुलिन को सेव करने के लिए पर जब से टांग रिकवर हुआ गुयू का एटीट्यूड सभी के साथ मतलब थोड़ा सा बदल गया है बुलिन के साथ भी अब ज्यादा क्लोज नहीं है गुयु बुलिन के साथ जैसे पहले हुआ करती थी इन तीन सालों में जब टांग बुलिन और बाकी ऐसे घूमने फिरने जाते थे तो गुयू तो बहुत कम उनके साथ होती थी इससे सब यही चीज फील कर रहे थे की उनके और गुयों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है बुलिन सोच रहा था क्या हो सकता है क्या इसी वजह से इसने स्प्रीट टावर को ज्वाइन किया है तो ये ऐसी बन रही है गुयु बुलिन की तरफ देख रही होती है फिर जिजी भी वहां पे आ जाते और हंसते हुए बोलता है की मेरी साउल पावर पूरी तरीके से रिकवर हो गई है कैप्टन जो तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास फॉर्मेशन है, वो कुछ ज्यादा अच्छी थी पावर हाँ, नहीं है, पर वो हाँ पर इतनी भी अच्छी नहीं है मेरी की जो स्टार लाइट चेन है वो ज्यादा अमेजिंग है जायन हंसते बोल रही होती है की शुक्रिया तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए तभी कोई फास्ट तरीके से आ रहा होता है नोटिस कर लेता है बोलते हैं सभी ध्यान से कोई चीज आ रही है एक बीस होता है मतलब गोरिल्ला वो बहुत जोर से रोर करते हैं उन्हें देख के बुल्ने अपनी शायद ब्लू सोलर ग्रास से बांधने की कोशिश कर रहा है उधर अपने हाथ से मतलब जल्दी से मूव करता है उसे ब्लू सिल्वर ग्रास से उठाता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है वो जो मंकी होता है वो पेड़ से जाके टकराता है पीछे और वहीं पे खत्म हो जाता है जिसे बोलता है ये किस तरह का साउल बीस था कैप्टन जयान बोल रही थी तुमने तो गुजार जल्दी से मार दिया बोल रहा है शायद ईयर ओल्ड ग्रेट एप हो सकता है मतलब सौ साल का ग्रेट एप जी बोलता है तो मास्टर तुमने कंट्रोलिंग क्रेन और कैचिंग ड्रैगन स्किल को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है पहले ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं थी गाइस वो वाली टेक्निक थी जिससे कंट्रोल कर सकता है ऐसे हवा में चीजों को बोलिन बोलता है हाँ बस थोड़ा बहुत फिर हमें दस बात का वो सरवाइव कर चुके होते हैं बुलिन बोल रहा होता है चलो रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए ये ज्यादा जरूरी है अगर हम अपनी एनर्जी को बचा सकें। बैटल करने से पहले फिर ऐसे ही सभी सनराइजिंग देख रहे थे टांग वुलिन अपनी पर्पल डीम टेक्निक को कल्टीवेट करने लग पड़ता है बुलिन बोल रहा होता है कि आज के एंड में हमारे 24 फोर आवर्स कम्पलीट हो जाएंगे इससे हम फाइनल एग्जाम्स को पास कर लेंगे पर हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं ऐसे तो एसेंशन प्लेटफॉर्म यहीं पर फिर भी काफी ज्यादा खतरे छुपे होते हैं हर जगह पे जिसी बोल रहा होता है किस तरह की चीजें हमें डरा सकती हैं इस प्लेस पे हमसे छोटे मोटे कमजोर से बीस्ट है जैन बोल रही होती है की तुम अपना मुंह बंद रखोगे तुम ऐसे ही एक तरीके से नजर लगा देते हो बोलता है होता है ये इंपॉर्टेंट होता कि अगर हम ध्यान रखें अपने मतलब चीजों को और अपने आप को भी चलो अभी के लिए रेस्ट करते हैं मूव करने से पहले जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम फॉरेस्ट के अंदर फुल स्पीड में चलेंगे जैसे बोलते है ठीक है कैप्टन फिर थोड़ी देर बाद वो रेस्ट करके चल पड़ते हैं गोवी बोलती सभी ध्यान दो जो मेरी विंड वर्ड थी वो काफी चीजें देख नहीं पा रही है क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो ज्यादा थिक होता जा रहा है मतलब ट्रीज पास पास है कैप्टन अगर हम ऐसे ही अंदर अंदर जाते रहेंगे तो हम मिडिल में पहुंच जाएंगे या डायरेक्टली बोलते मैं नहीं।, टीचर बुने कभी भी बोली नहीं थी गुई बोलते है बोलिन बोलता है ऐसे तो काफी ज्यादा डिफरेंट असेंशन प्लेटफॉर्म है जिनकी अलग अलग डिफरेंट डिफिकल्टीज होती है लेवल्स होती है पर वो सब इंटरकनेक्टेड है इसका ये मतलब है की अगर हम बैरियर को क्रॉस कर लेंगे एक को तो हम किसी दूसरे असेंशन प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे ये जादा हाई चांस हो जाएगा कि हम किसी पावरफुल बीस से मिल जाए मतलब प्लेटफॉर्म लेवल्स की है उसके बाद पावरफुल बीस होंगे जीजी बोलते तो हम करेंगे कि हम में एंटर कर सकते हैं कि नहीं। बोलते है, मुझे लगता है इतना भी आसान नहीं होगा गोई बोलती है कि चलो ट्राई करते हैं वो ऐसे चले होते हैं जिसी तुम्हें याद है वो सीन जब हम पहली बार असेंशन प्लेटफॉर्म में गए थे मुझे याद है वो हमारा फर्स्ट टाइम था

गोयू बोलती है कि कोई चीज अजीब सी है हमारे सामने जिसे बोलते गोयू प्लीज मुझे डराओ मत तभी जो आगे झाड़ियाँ होती है वहाँ पे हलचल होती है वो बोलते गोयू प्लीज एक फायर बॉल को आगे की भेजो गोयू बोलती ठीक है वो ऐसे करती है आगे की को भेजती है वहाँ पे एक बीस्ट होता है वो अपने हाथ से उस फायर बॉल को रोक देता है जिसे बोलते हैं कैप्टन देखो तभी एक बहुत बड़ा बेयर आगे की तरफ से आ रहा होता है जिसे डर बोल रहा होता है कि ये तो डार्क गोल्डन लाइन क्लो बेयर है क्या नाम इतना लंबा लंबा इसका गोल्डन बेयर बोलेंगे इसे हम जिसे सोच रहा होता है कि गोल्डन बेयर की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है इसका अटैक भी अच्छा होता है और इसका डिफेंस भी अच्छा होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक एग्जिस्टेंस रही साउल बीस में एक ऐसा टेरिफाइंग साउथ बीस जो की ड्रैगन के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है वो बेयर उनके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है वो इन बोलता है इसे सामने से ब्लॉक करता हूँ तो मुझे पीछे से सपोर्ट देना अगर मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा तो जल्दी से भाग जाना तुम जायन बोल रही हो तिकी, ध्यान से कैप्टन जिसे सोच रहा होता जब भी हम किसी डेंजरस सिचुएशन में फंसते हैं तो टांग बुल हमेशा यही इंसान सबसे आगे जाता है हैंडल करने के लिए मैं ऐसा नहीं करने दे सकता इसको हर बार ही मेरे को डर मतलब जो डर है मेरा उसे रोकना पड़ेगा वो जल्दी से मूव करता है और बुलिन के पास पहुंच जाता है और बोलता है कैप्टन मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा इस बैटल में दो भी ऐसे अटैक करने लगी होती है कैप्टन हम भी हेल्प करेंगे तुम्हारी बुलिन ये देख के स्माइल करता है और आगे की तरफ जा रहा होता है बेड़ जो होता है वो बहुत जोर से रोर करता है तभी गुई अपने विंड का अटैक करती है बेर की तरफ बेर को कुछ नहीं होता बुलिन बोलता है किसने डायरेक्टली अटैक को अपनी बॉडी से ब्लॉक कर दिया वो फिर अपने क्लो से बुलिन की तरफ अटैक करने लगा होता है जिसे बोलते नहीं कैप्टन बुलिन सोच रहे होता है मुझे पता नहीं की जो मेरा गोल्डन ड्रैगन क्लो है वो इस अटैक को रोक पाएगा

आइस क्रिस्टल को आगे आग तक भेजती है बुलिन उस क्रिस्टल के ऊपर चढ़ जाता है और ऐसे ही राइड ही कर रहा होता है उसे वो फिर क्रिस्टल से जंप करता है और बेयर की तरफ आ रहा होता है बुलनिन ऐसे उस बेयर के गर्दन के ऊपर चढ़ जाता है बेयर अपने क्लोज से अटैक करने लगा होता है की डोज कर लेता है और लात मारता है जोर से उसके सर के ऊपर बुलिन सोच रहा होता है इसका जो सर वो को है वो ज्यादा हार्ड है बेयर द्वारा अपने क्लोज से अटैक करता है बुलिन पीछे की तरफ कूदता है और अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को उसके गले के आस पास बांध देता है जो बेयर होता है वो कोशिश कर रहा होता है अपने आप को छुड़ाने की तभी वुलिन ब्लू सिल्वर ग्रास को उसके पैरों के that's possible लाता है जिसकी वजह से बेयर नीचे गिर जाता है जी बोल रहा होता है कि तुम क्या करना चाहते है यहाँ पे बुलनिन सोच रहा होता है कि शायद इसकी जो नेक है वो सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा होगा इसकी बॉडी का इस टाइम हम डेफिनेटली इसे हरा देंगे वो अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो को यूज करता है और बहुत जोर से पंच मारता है उसकी गर्दन पे बुलिन हराने से सोच रहा होता है कैसे हो सकता है एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा इसकी बॉडी पे तभी जो बेयर होता है वो अपने ओरा को रिलीज करता है और बुलिन को वहां से ढकेल देता है बुलिन पीछे पेड़ से जाके टकराता है और उसके मुंह से भी खून निकलाता है वो फिर उठ के देखता है आगे की तरफ तब जो बेयर होता है वो बुलिन की तरफ अपने क्लोज अटैक करने लगा होता है वो जो बेयर होता है वो अटैक करने लगा होता है बुलिन की तरफ तभी तो जीजी जल्दी से मूव करता है और बुलिन के सामने आ जाता है वो बोलता है कैप्टन मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसे खत्म करने के लिए तभी जो बेयर होता है वो उसे खत्म कर देता है वहीं पे पर बुलिन आगे तो देख रहा होता है कुछ ज्यादा ही साइड तरीके से वो बोलता है जिजी मेरा वेट करो मैं पक्का तो मैं अवेंज करूंगा वैसे बोलता है गोयो को कि मेरे को कवर करो कुछ टाइम के लिए गोई बोलते मेरे ऊपर छोड़ दो वैसे अपने एलिमेंट्स को यूज कर रही होती है बुलिन बोलते हैं अच्छा है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है अपने ब्लू सुलर ग्रास को यूज करके तभी गोयो अपना अटैक यूज कर है ती है चेन लोग वो एक तरीके से बेहर को बांधने की कोशिश कर रही होती है उसने पूरी तरीके से बेहर को बांध दिया होता अपनी चेन से बुलिन सोच रहा होता है एक ओपनिंग मिली है मुझे वो जल्दी से आगे मूव करता है और अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो को यूज करके पंच मारता जोर से वो सोच रहा होता है क्या मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हिट कर पा रहा हूँ उस पेड़ के ऊपर क्या इसका मतलब जो गोल्डन ड्रैगन क्लो है वो इतना पावरफुल नहीं है की इसकी स्किन को वो फाड़ पाए पेयर होता है वो बहुत जोर से दहाड़ता है और अपने ओरा को रिलीज करता है इसकी वजह से जो चेन होती है गुयो ने बांध दी वो टूट जाती है गुयो के मुंह से खोने के लाता है वो वहीं पे खांस बेहोश हो जाती है बुलिन गुयू की तरफ देखता है और उसे कुछ ज्यादा आता है वो से रोर और लास्ट में वो अपनी पूरी एनर्जी को यूज करके उस बेयर के सर को फाड़ देता है वो बेयर वहीं पे खत्म हो जाता है जायन आगे देख रही होती है बोलिन ने उस बेयर को खत्म कर दिया होता है जायन वुलिन को बोलते कैप्टन बुलिन बोलते है की गुयो कैसी है जायन बोल रही होती है जैसे इसने अपने एलिमेंट चेन को यूज किया और वो टूट गई तो गुयो को कुछ सीरियस इंटरनल इंजरीज हुई है रही मैं ठीक हूँ बुलिन बोलता है चलो चलते हैं अभी यहाँ से बुलिन वो चले होते जगह देखते हैं गुई बोलते है, है।, है, है। कैप्टन वहाँ जाके देखो बुलिन चला होता है और बोलते, की मत मैं देखता हूं बोलते है रखना बुलिन वहाँ पे जाता है उस चीज के पास वो बोलता है क्या ये क्या चीज़ है वहाँ पे जो की ग्लो कर रही होती है जयन बोल रही थी कैप्टन अभी ये चीज है बुलिन बोलते मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है तुम देखो गुई बोलते तो साउल बोन है, है साउल बोन सो so चैप्टर इतना था अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो तब तक के लिए बाय गाइज